पेट्रोल पंप भी आ गया। बाकी जिस भाई ने पेट्रोल डलवाना वो आके डलवा सकता है, हमारे में भी पड़ा हुआ है क्योंकि हमारे में पेट्रोल डलना नहीं है, डीजल डलना है, इसमें पड़ा हुआ है। आप इस गाड़ी को साइड में लगाओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे गाड़ी के ड्राइव एक्सपीरियंस के बारे में, और इसके साथ आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको आई बटन का वीडियो दिख रही है जो कि पूरा ओनरशिप रिव्यू है इस गाड़ी का, ठीक है। सो चलिए वीडियो करते हैं हम लोग शुरू। सो गाइस, गाड़ी हमने आइडल पोजीशन में स्टार्ट कर दी है, अब हम लोग चलते हैं गाड़ी को एक छोटी सी एक राइड लेंगे। सो मैं आप लोगों को एक बार इसका जितना मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपीरियंस रहेगा वो बताऊंगा, ठीक है। सो गाड़ी का टॉर्क वगैरह की अगर हम बात करेंगे तो वो आपको नीचे स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा है। सो अब हम लोग एक बार ना ये चीज देखेंगे कि फर्स्ट गियर में सेकंड गियर में अपने को गाड़ी में कहां वो लगती है, ठीक है, क्योंकि भाई ने चला रखी है तो भाई का तो अपना एक्सपीरियंस है, एक बार हम अपना एक्सपीरियंस देखेंगे। बाकी भाई अगर बात करते हैं ना तो हाइड्रोलिक के हिसाब से जैसे हम कहते हैं स्टीयरिंग थोड़ा तो हार्ड है, हार्ड है इसका, हार्ड मिल रहा है, मतलब अपने को ऐसा नहीं है कि हार्ड नहीं है। बाकी मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ कि ये जैसे फ्रांस की है तो इसके अंदर आपको जो इंडिकेटर्स मिलेंगे वो आपको इस साइड मिलेंगे, राइट सॉरी लेफ्ट पे, और राइट पे आपको मिलेंगे अपने वाइपर्स के कंट्रोल्स। सो मेरे को भाई थोड़ा सा इधर रास्ता बता देना अपना कहाँ कहाँ पे है। यहाँ से आप राइट ले लो भैया, राइट। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं कि ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ग्राउंड क्लीयरेंस में कि लगती है, ये गाड़ी बहुत नीचे है बट ग्राउंड क्लीयरेंस में नीचे नहीं लगती है। बट एक चीज है कि और अगर हम गाड़ी के साथ बात करें तो इसकी सीटिंग थोड़ी ऊंची है, सीटिंग पोजीशन, हाँ सीटिंग पोजीशन इसकी थोड़ी सी ऊंची है। नहीं मेरे को ऐसा फील होता है कि डिजायर वगैरह से थोड़ी नीचे है ना, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है, बल्कि इसके अंदर अभी हाइट एडजस्ट नहीं है, हाँ, नहीं तो है मेरे को आराम से ऐसे लग रहा है, मेरे को मतलब बोनट आराम से दिख रहा है, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि नहीं है। इसकी विजिबिलिटी काफी अच्छी है, हाँ ये हम कह सकते हैं, इसलिए आपको ऐसा फील होगा। गाड़ी थर्ड गियर के अंदर है, अब आइए एक बार देखते हैं जरा गाड़ी को, थोड़ा सा देखते हैं रेस वगैरह और गाड़ी का हम लोग स्पीड वगैरह चेक करते हैं। बाकी भाई पिकअप में अपने कोई इशू नहीं लगा, गियर वगैरह इसके इतने स्मूथ है, ठीक है। और इसके साथ जैसे भाई ने आपको पहली वीडियो के अंदर बताया था ओनरशिप, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी ऊपर आई बटन के ऊपर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं ना इसके अंदर, मैं आपको बता देता हूँ कि देखो भाई ने इसके बहुत सारा पैसा भी लगाया हुआ है, जिसके अंदर मेंटेनेंस के अंदर अगर हम बात करते हैं सस्पेंशन डले हुए हैं, ब्रेक लेदर्स वगैरह चेंज हुए हैं, बेयरिंग चेंज हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमारा रास्ता खाली होता है, फिर एक बार हम गाड़ी को थोड़ी सी खींच के भी देखते हैं। तो उससे पहले अगर हम एक चीज़ के बारे में बात करें ना कि भाई जिस लोगों के पास है, जिसको ऐसे लग रहा है कि मैंने इसको इसकी पावर चेक करवानी है, मतलब कि अगर हम कहते हैं कि जो बंदे कहते हैं ना कि मेरे पास डिजायर है, मेरे को अपनी गाड़ी वो देखनी है कि कौन सी गाड़ी कितनी दमदार है, तो भाई आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपकी जो राय हो, आप लोग वो भी बता सकते हो, ठीक है। ब्रेजा भी लेना चाहे, ब्रेजा भी खींच देगी, ब्रेजा भी खींच देगी, चलो भाई ब्रेजा, बच्चे हैं, बच्चे हैं वो, चलो ये ब्रेजा होगी, ये वेन्यू होगी, ये बच्चे हैं। फोर्थ गियर के अंदर गाड़ी का बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा, और सही बताऊं ना गाड़ी हल्का सा पंजा टच करते भाग रही है। सो इस मामले में मेरे को यार ये चीज बहुत बढ़िया लगी, और ऐसा नहीं है कि मतलब एक है ना कि आधा पंजा दबाने के बाद गाड़ी खींचती है, बस हल्का टच करते ही गाड़ी भाग रही है, फन टू ड्राइव कार है। और एक चीज हो रहा है कि भाई इसके अंदर जैसे मैं थोड़ा हेल्दी ज्यादा हूँ और दूसरा हाइट है मेरी, तो उसमें ना लग नहीं रहा कि भाई स्टीयरिंग वगैरह अड़ रहा है, और दूसरा कि मतलब मैं सीट अनकंफर्टेबल महसूस करूँ, वो चीज मेरे को लग रही है इसमें। बहुत बढ़िया बना रखी है मतलब कंपनी ने, इनके अंदर स्पेस बहुत है, बहुत सोच समझ के बनाई गाड़ी है बिल्कुल। और देखो इतने साल हो गए इस गाड़ी को, इतनी पुरानी है, ऑलमोस्ट 12 साल हो गए इस गाड़ी को बिल्कुल भाई, तो अभी भी आपको दिख नहीं रहा कोई नॉइज, कोई रैटलिंग या कोई ऐसा इशू, ये देखिए ये भी नहीं हिल रहा, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, और जबकि गाड़ी फोर्थ गियर में स्पीड अभी डाउन है, देख लो स्पीड बिल्कुल 40 की स्पीड है और फोर्थ गियर है, बिल्कुल यहीं से उठाओगे यहीं से भाग जाएगी। तो एक बार अभी हम लोग साइड में लगा के पहले सीट बेल्ट लगा लेते हैं, फिर उसके बाद हम गाड़ी को ड्राइव पे दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी आगे रोड खुली हो रही है क्योंकि अभी हम एक जहाँ खड़े थे लोकेशन पे वहां से इधर आई है। भाई अब हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं एक बारी, पहले बेल्ट लगा लेते हैं, ठीक है। तो मैंने भी लगा लिया, भाई ने भी लगा लिया, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं गाड़ी का, एक बारी देखते हैं स्पीड वगैरह। अच्छा बाकी भाई इंडिकेटर की आवाज बड़ी प्यारी है, ठीक है। अब एक बार इसका टर्बो भी देखते हैं, चलो भाई अब हम लोग निकल गए, एक बारी भाई रूट और दिखा देते हैं कि बिल्कुल खाली है, ठीक है। अब करते हैं गाड़ी को, गाड़ी का डाल दिया फिफ्थ गियर। अच्छा इसमें बॉडी रोल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, आप फील करोगे इसमें बॉडी रोल है ही नहीं। अभी एक बारी गाड़ी की स्पीड देखेंगे ना, तो फिर एक बारी इस चीज को मोड करेंगे। लो भी अब आप देख लो 60 प्लस हो गया गाड़ी फिफ्थ में, और गाड़ी की जो रोड कंडीशन है ना इस वक्त उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो भाई अपने को कोई इसमें वो नहीं हो रही। हाँ बाकी ब्रेकिंग की बात करेंगे तो ब्रेकिंग थोड़ा सा हल्का हल्का मैं कह सकता हूँ कि पैनिक ब्रेक नहीं ले सकते हम इसमें, वो थोड़ा सा हो सकता है, इसमें ABS नहीं है, हाँ वो चीज हम महसूस करें, स्लिप हो जाती है, बट ऐसा नहीं है कंट्रोल नहीं होती, नहीं कंट्रोल हो जाती है। बाकी देखो भाई जिन्हें कंट्रोल नहीं करनी वो ABS में भी नहीं करेगा, वो तो है ही है वो चीज है। अगर हम बात करें मारुति 800 हो गई, जेन हो गई, उनमें कुछ नहीं आता था, वो भी कंट्रोल इजीली हो जाती थी, हो जाती थी।
तो बाकी अगर बात करते हैं भाई जैसे टर्बो वगैरह का अपना कोई काम तो नहीं मांगती गाड़ी ना जी ना, अभी तक ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर कोई और होती तो किसी और गाड़ी का तो देखो कह नहीं सकता क्योंकि क्योंकि आपके पास जोन सी एम उसी की बात है। जी बिल्कुल। लोकेशन कितनी अच्छी आ गई, बहुत जबरदस्त लोकेशन, ऐसे नहीं लग रहा जैसे हम पहाड़ों में आ गए। बिल्कुल, मेरे को तो या तो हम कटरा जा रहे हैं या हम शिमला जा रहे हैं, ये चीज लग रही है। बाकी मौसम ऊपर से ऐसा हुआ ही हुआ है ना, बस यहाँ से रूट साफ ही मिलेगा आपको। सही बारी यहाँ से ट्रैवलर वगैरह हो जाए फिर हम करते हैं। बाकी भाई इसमें अगर पावर स्टीयरिंग होता ना तो हम कह सकते थे कि थोड़ा लाइट है। लाइट हाइड्रोलिक की बात करें ना तो वो भी कहीं ना कहीं सही है। इसमें पावर स्टीयरिंग मेरे को नहीं लगता ज्यादा अच्छा रहता है, गाड़ी का वेट वगैरह जो है ना तो उसके हिसाब से हाइड्रोलिक बेस्ट है इसमें। बिल्कुल सही बात, और ज्यादा ही लाइट रहता, गाड़ी भारी है स्टीयरिंग लाइट। चलो ये करते हैं इस बारी ओवरटेक। तो भाई हमने डाल दिया फिफ्थ गियर में गाड़ी, लो जी 60+70। आपको 100 पे भी नहीं मिलेगा वाइब्रेट, बिल्कुल 120 पे भी नहीं मिलेगा वाइब्रेट। तो उस हिसाब से तो भाई स्टेबल है गाड़ी, बिल्कुल स्टेबल है गाड़ी, बिल्कुल स्टेबल है। और कोई हम ये नहीं कह सकते किसी चीज की आवाज है गाड़ी में कुछ है, बिल्कुल भी आवाज नहीं है। और गाड़ी जैसे अभी 90 से प्लस थी तो उसमें हमें इंजन के अंदर आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही। एक आवाज आती है जैसे लगता है ना कि भाई हाँ अंदर आवाज ज्यादा आ रही है, तो वो चीज नहीं है इसमें बिल्कुल। बाकी एक चीज और मैं बताऊंगा कि भाई इसके अंदर जो मेरे को एक हल्की सी चीज लगी वो ये हम कह सकते हैं कि जो हमें वैगनार के अंदर भी लगती है कि जो इसके डोर बंद करने वाले ना वो थोड़े थोड़े ज्यादा स्पेस के हैं, उसमें आपका कुछ कहना है। एक बार ये आप दिखा भी सकते हो, मतलब ये वाले नहीं नहीं जहाँ पे हम जिसको पकड़ के बंद करते हैं। अच्छा ये वाले, हाँ ये थोड़े से हेल्दी बंदे के लिए इशू कर सकता है, हो सकता है, बाकी वैसे नहीं इतने अंदर। और बाकी भाई एक चीज और मैं देख रहा हूँ उसमें ना लेग रूम का बहुत अच्छा स्पेस, बहुत बढ़िया स्पेस है। देखो मेरे को नहीं लगता कि हमें कोई बड़ी सेडान लेनी पड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल इसमें बहुत सही रह जाएगा, है ना जी वो चीज है। चलो अभी अब हम यहाँ से लेंगे आगे से यू टर्न जी, एक बार ये ऑलरेडी बड़ी सेडान है, वे वो वाली सेडान नहीं है जिसको खींच के सेडान बना दिया, अंडर 4 मीटर है, ये 4 मीटर से बड़ी है ये हम कह सकते हैं। पेट्रोल पंप भी आ गया, बाकी जिस भाई ने पेट्रोल डलवाना वो आके डलवा सकता है, हमारे में भी पड़ा हुआ है क्योंकि हमारे में पेट्रोल डलना नहीं है डीजल डलना है, इसमें पड़ा हुआ है। बाकी भाई जैसे आप क्लच प्लेट का बता रहे थे तो क्लच प्लेट में मेरा ये कहना है कि जब वो डलवाई तो उसका आपको क्लच का कुछ ऐसा लगा कि हार्ड है या इतना क्लच ठीक है? क्लच भी हाइड्रोलिक है इसका। नहीं मतलब वैसे अगर हम बात करें कि आपको उसके बाद लगा कुछ ऐसा? नहीं नहीं पहले ज्यादा हार्ड था, पहले ज्यादा हार्ड था, हाँ अभी तो इसका क्लच काफी लाइट है। क्योंकि अगर हम स्विफ्ट वगैरह उसमें बात करें तो वो उसमें नहीं है क्योंकि हाइड्रोलिक क्लच है, वो हाइड्रोलिक नहीं होता ना, वो तार वाला होता है। बिल्कुल, तो ये सारा सिस्टम इसका। चीज मैं और नोट करूँ की इसके हल्का सा गियर देखो जैसे पीछे किया लग गया, बिल्कुल वो नहीं है की बहुत आगे जाके लगाना, मान लो मैं फिफ्थ लगाऊंगा ना तो ये देखो क्या बहुत आगे जाता है जी, वो चीज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और एक चीज और है भाई जैसे डीजल है ना तो डीजल इंजन के हिसाब से ना क्लच वाइब्रेट करता है फिफ्थ में, तो आके स्पीड कम भी हो तो हाँ हाँ, तो ये देखो इसमें हल्का सा भी वो नहीं है वाइब्रेशन बिल्कुल भी। मैं आपको एक बात बताऊं जी, आप इस गाड़ी को साइड में लगाओ हाँ जी, और उसके बाद इसको ना आप गियर में डाल के छोड़ दो हाँ जी, उसके बाद आपने एक्सेलरेशन नहीं करना किसी भी गियर में, गाड़ी का टॉर्क कितना है हाँ यहाँ पे लगाओ, गाड़ी को आपने धीरे धीरे स्पीड लेती रहेगी, वो गियर बदलते रहना, एक्सेलरेशन नहीं करना, और अपने आप मेंटेन गाड़ी अपने आप चलती रहेगी। तो लो भाई मैंने यहाँ पे गाड़ी कर दी, लोग कहते हैं ना फोर्ड में बहुत पावर है, तो एक बार रेनॉल्ट की भी देख लो। लो भाई ये अब हम इसको लगा देते हैं, ये लग गई साइड में, ये साइड में लग गया, अभी ये आइडल पोजीशन में न्यूट्रल में, फर्स्ट गियर लगाओ, फर्स्ट लगा दिया भाई पैर पीछे आप लोग देख सकते हो, और ये उठा दिया हमने क्लच और ये कर दिए, लो भाई लगा दो सेकंड। अच्छा गाड़ी ऑटोमेटिकली अपने आप बंद नहीं होगी भाई, मेरा ये लग बिल्कुल पीछे आप लोग देख सकते हो, ठीक है अब ये सेकंड में चल रही है, थर्ड भी लगा दो आप, थर्ड भी लग जाएगा बिल्कुल, स्पीड देख लो बल्कि है नहीं थर्ड फिर भी लग जाएगा, कोई झटका लगा ऑटोमेटिकली अपने आप ही रेस उठा रही है बिल्कुल, और गियर चेंज कर देगी उसके हिसाब से। अभी आप फोर्थ भी लगा दो, फोर्थ लग जाएगा इसमें बिल्कुल बिल्कुल, लगा दो फोर्थ बस आप 20-22 की स्पीड में फोर्थ, लो भाई फोर्थ गियर लग गया, और देख लो हल्का सा भी इसका ये नहीं कांप रहा गियर, लो जी इसके अंदर वाइब्रेशन नहीं कुछ नहीं। अब फिफ्थ लगा दो आप, पक्की बात है, पक्की बात है भैया फिफ्थ लगा दो, फिफ्थ लग गया
भाई देखा फिफ्थ लगा दो, हमने फिफ्थ लगा दिया। देखना ये अपने आप मेंटेन कर लिया, क्लच से ही पैरेट आ लिया, रेस से ही पैरेट आ रखा, देख लो। और स्पीड अपने आप बढ़ रही है भाई, मैं कहीं नहीं बढ़ा रहा। और इसमें वो वाला सिस्टम नहीं है कि कार्बोरेटर में जाके नीचे से रेस बढ़ाता जैसे बुलेट में होता है। बिल्कुल, तो ये देखो अब ये मेंटेन रखेगी अपनी स्पीड, ना बंद होगी ना धीरे होनेगी, बस यही स्पीड रहेगी इसकी। अच्छा 40 प्लस। तो भाई इस बात मतलब इस चीज में तो बहुत बढ़िया, अगर किसी ने गाड़ी सीखनी हो तो उसके लिए तो बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है ना। बिल्कुल, तो यार ये तो बहुत जेन्युइन चीज निकली है। बाकी ऐसा कोई और अगर होती तो हम उसका क्या कहते, वो तो झटके लेते बहुत ज्यादा, बंद हो जाती। बिल्कुल होना था, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई सीखना चाहता है अपने रिलेटिव में जी, तो उनके लिए चीज बेस्ट है। बिल्कुल बेस्ट है ना। पावर देख लो आप, बिल्कुल पावर तो मैं देख ही रहा हूँ भाई, मतलब मैं ये कह रहा हल्का सा जैसे पंजाब आता हूँ ना गाड़ी, सुई यूं थकती है। फन टू ड्राइव है बहुत यार, इसको आप ना कंपेयर कर सकते हो वॉक्सवैगन से। हाँ उसकी गाड़ियां भी ऐसी हैं, फन टू ड्राइव इंजन है, तो अगर हम उसके साथ कंपेयर करते हैं टीडीआई मिलता है, टीडीआई इंजन, तो उसके साथ भाई कह सकते हैं कि बस जो फील है ना ड्राइविंग का वो इन्हीं में ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप अगर वॉक्सवैगन वगैरह का क्लच प्लेट दोगे ना जी, तो उसका भी आपको इतना ही खर्चा आएगा, 17-18 हजार रुपया उसका भी। ऐसे भाई देखो फिर कहना आसान थोड़ी है कि छोटा पालना। बिल्कुल जी बिल्कुल, बस ये गाड़ी लुक्स की वजह से मर गई। बाकी वैसे तो भाई मैं सही बताऊँ ना, जिस हिसाब से इसको 10 साल हो गए हैं और दो हाथ आ गई है गाड़ी, बिल्कुल दो हाथ में फैमिली में चली है गाड़ी है ना जी जी, तो उसके हिसाब से भाई इसमें कोई भी मतलब 1% मैं ये नहीं कह सकता कि गाड़ी का मेरे को स्टेयरिंग वो लग रहा है या ब्रेक में वो है, क्योंकि टाइम टू टाइम देखो ओनर के ऊपर भी होता है कि वो किस टाइम पे सर्विस करा रहा है गाड़ी की, ठीक है, किस टाइम पे गाड़ी को मेंटेन रख रहा है और टाइम टू टाइम सर्विस हो रही है, तो सब कुछ उसके ऊपर बात कर जाती है। तो भाई अगर अभी बात करते हैं उसमें तो आप टाइम के साथ सब कुछ चेंज करवा रहे हो, जहाँ लग रही है कि हाँ नीड है तो मेरे को चेंज करवानी है तो आप चेंज करवा रहे हो जी। तो भाई उसमें एक चीज हो रहा है कि उसके साथ ना गाड़ी की लाइफ बढ़ती है, बढ़ती है भैया। यही अगर कोई ओनर नया करवाए ना उस चीज को जी, तो वो उतनी लाइफ कम हो जाएगी। फिर पता क्या नाम आता है कि भाई गाड़ी जो थी ना वो बढ़िया नहीं निकली, लोग ऐसे ही कहते हैं, वो चीज आती है खर्चा करना नहीं है और कहना गाड़ी बढ़िया नहीं है। अब वही बात है ना, बुलेट तो हर बंदा ले लेता है, फिर उसको ये होता है खर्चा रखा नहीं जाता, फिर कहते हैं बुलेट ना बस बस बेकार है, खर्चा लेती है, बेकार है, उससे तो गाड़ी रख लो। वही तो भाई बुलेट नहीं पाली जा रही ना, वही तो चक्कर है। अब या तो स्विफ्ट ले लो, कोई भी गाड़ी ले लो जिसका खर्चा कम है, या फिर शौक के लिए पावर वाली ड्राइव वो ले लो गाड़ी। भैया एक बात बताओ, स्विफ्ट में अगर आपकी मेंटेनेंस कम है तो उसके पार्ट्स आप इससे कंपेयर करोगे ना तो चलेंगे भी कम, वो तो है ही है। इसके पार्ट्स काफी मतलब हाई क्वालिटी के पार्ट्स होते हैं इसके, वो भी चीज हो गई। और सबसे बड़ी चीज एक मैं बताता हूँ कि सबसे जो जेन्युइन चीज लगी ना, एक बंदे लेते हैं कि सिर्फ रीसेल के लिए, एक लेते हैं भाई हमने ड्राइव लेनी है। बिल्कुल, चाहे जितना टाइम हमारे पास गाड़ी रहे पर ड्राइव होनी चाहिए। बिल्कुल, अब मार्केट में स्कॉर्पियो भी आ गई है, स्कॉर्पियो एन भी आ गई है। हाँ। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मेरा थोड़ा स्कॉर्पियो एन पे ज्यादा जा रहा है, कम्फर्ट भी है और सारी चीजें हैं। हाँ, सेफ्टी भी है। हाँ, अब सेफ्टी भी आ गई। अब ऐसी अगर मैं कहीं और गाड़ी पे जाऊँ ना तो शायद मैं हो सकता है कि अभी ये गाड़ी अभी मार्केट में नहीं आ रही। बिल्कुल, इस टाइम पे फोक्सवैगन की पोलो ही बंद हो गई है। खैर जी, अगर वो भी अगर आ रही होती ना तो शायद मैं स्विफ्ट वगैरह इनकी बजाय उस पर जाता, 1-1.5 लाख महंगे खर्च कर लेता। बिल्कुल, पर एक फन ड्राइव भी मिलती गाड़ी के अंदर और मेंटेनेंस तो चलो सबको पता ही हाई है, जो चीज को बढ़िया मिलेगी तो उसकी रेट भी हाई होंगे, हाई होंगे, ठीक है, और सेफ्टी भी है, सब कुछ है, तो उसमें मेरे को ये नहीं लगता कि भाई कहीं ना कहीं आप अपने पैसे बचा के अपनी जान को जोखिम में डालो। बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज नहीं रहती। मजबूत गाड़ी है, मैं आपको बताता हूँ, इस पे ना स्विफ्ट एक बंदा बैक कर रहा था, उसने मेरी खड़ी गाड़ी में ही, सेक्टर 12 की बात है जी जी। खड़ी गाड़ी में बैक करी उसने, बड़ी तेज मारी। अच्छा। उसका तो बम्पर ही फट गया पीछे से। अच्छा जी। और मैं उतरा नीचे, मैंने कहा, मैं कहा भाई क्या कर रहे हो यार, कह रहा सॉरी भैया मेरे से ब्रेक नहीं लगी। वो बैक कर रहा था, फिर देख रहा करा ब्रेक नहीं लगी और उसका अपना नुकसान हो गया। अपना नुकसान हो गया और इसकी नंबर प्लेट थोड़ा डेंट आ गया, तो मैंने 100 रुपए का खर्चा, 50 रुपए लगे थे डेंटर ने, बस नंबर प्लेट उतारी उसका, डेंट ने सीधा करा, फिर 500-1000 रुपए का खर्चा। पर इसका बोनट को कुछ हुआ भी नहीं, बम्पर को इसके। तो देखो वही बात है ना कि अपने को एक चीज माइंड में बैठ गई है कि हाँ भाई एक तो गाड़ी भी सॉलिड, ऊपर से इंजन में भी सॉलिड, जहाँ मर्जी ले चलो। बिल्कुल, नहीं तो वो होता ना कहीं ना कहीं पापड़ मिलता है, वो बात नहीं है, वो बात हम कह सकते हैं। अब आप देख लो 1 लाख चल चुकी है ये। बिल्कुल, मैं वही चीज बात भी, आप देखो कितनी मतलब आपको क्या लग रहा है, चलने के बाद भी बिना रेस पे 5वें गियर तक चली गई गाड़ी, इससे बड़ी बात नहीं। और अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कोई थकी हुई गाड़ी चला रहा है? मैं कह रहा बिल्कुल भी हमें नहीं महसूस हो रहा। और सबसे बड़ी जो मेरे को चीज लग रही है पता है क्या, कि सिटी के अंदर इसलिए ड्राइव हो रही है। बिल्कुल, उस चीज में मैं ये नहीं कह सकता भाई मैं परेशान हो रहा हूँ, बार बार गियर बदलना पड़ रहा है। अगर थोड़ी सी रेस भी कम होती है ना, स्पीड कम होती है, तो वो ऑटोमेटिकली गियर उसको हाई कर देता है। बिल्कुल, अपने आप ही मतलब इंजन की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। ये चीज तो बहुत मेरे को सही लगी भाई। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।